नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज का खास विषय है कास्ट पॉलिटिक्स। चुनावी साल में सियासी दलों ने राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण उठाना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता का सूखा खत्म करने कांग्रेस भी सभी वर्गों को साधने की जुगत में है, जहां सबसे पहले सीएम शिवराज ने हर समाज के लिए बोर्ड के गठन का ऐलान किया, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज सेन जयंती पर समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में सियासत परवान चढ़ रही है। मध्य प्रदेश में सियासी पारा गर्म होता नजर आ रहा है और दोनों ही प्रमुख दल किसी भी सूरत में पीछे रहना नहीं चाहते। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती की तर्ज पर मुड़ती नजर आ रही है। जिस तरह मायावती उत्तर प्रदेश में तमाम जातियों की भाईचारा कमेटियां बनाकर उनके आयोग, निगम, बोर्ड बनाकर राजनीति करती रही हैं, वैसे ही राजनीति अब मध्य प्रदेश में होती दिख रही है। शिवराज सरकार पिछले कुछ दिन से रजक समाज, साहू समाज, सोनी समाज, सिंधी समाज जैसे वर्गों के बोर्ड बना चुकी है। अब कांग्रेस भी इस कास्ट पॉलिटिक्स में कूदी है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज सेन महाराज की जयंती के मौके पर बड़ी घोषणाएं की। कमलनाथ ने कहा, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेन आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि सेन महाराज की जन्म स्थली बांधवगढ़ में भव्य स्मारक बनाया जाएगा। सेन समाज के लोगों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, इन कामों की जल्दी ही शुरुआत होगी। वहीं सेन समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं रविवार को कमलनाथ ने भोजपुरी समाज से भी एक वादा किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भोजपुरी समाज को उनकी मांग के अनुरूप सामाजिक कार्यों के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम सैन समाज के बोर्ड का गठन करेंगे, ताकि जय कमलनाथ, जय कमलनाथ के लिए योजनाएं बन सके। से महाराज सेन की जन्म स्थल बांधवगढ़ में उनकी स्मारक भी बनाई जाएगी। ये आज हम इस सब 5 महीने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश भी एक सही पटरी पर चले। मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आ रही नहीं, लेना देना कुछ है नहीं, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी बुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो सिर्फ, ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं, तारीखें चेंज होगी, बाकी तो सब पुराना है। वही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार भी कई घोषणाएं पहले कर चुकी है। हाल ही में रजक कल्याण बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, स्वर्णकार कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के गठन कर चुकी है। इसके अलावा हाल ही में कुछ सामाजिक बोर्ड आयोग में नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें मछुआ कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय भारतीय जनजाति विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, श्रम कल्याण मंडल, माटी कला बोर्ड, बांस विकास प्राधिकरण। बहरहाल दलों के लिए हर वोट भी कीमती होता है। ऐसे में कई समाज ऐसे हैं जिनका प्रदेश भर में काफी वोट बैंक है। ऐसे में सीएम शिवराज और कमलनाथ की कोशिश है कि आने वाले चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी कमी न रह जाए, जिससे कि चुनाव में मुंह की खानी पड़े। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जनता किसको अपना सरकार चुनना पसंद करती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक बीजेपी से शंकरलाल तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी से। शर्मा साहब, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 1,000 की जगह 1,500 महिलाओं को मिलेंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली की दरें घटेंगी, सेन समाज के लिए अब एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं ये वचन पत्र नहीं सिर्फ कागजी पुलिंदा है। मंत्री जी से पूछा जाए कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में है, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश लगातार महिला अत्याचार में नंबर वन है? एनसीआरबी का डाटा आप उठा लीजिए, लगातार मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर वन है। ये झूठ और जुमले बोलने वाले भाजपा के लोग बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। सवा साल की सरकार को ब्लेम करते हैं बार बार और 18 साल का हिसाब नहीं देते। इनसे पूछा जाए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस वादे का? लेकिन ये अपने किसी भी वादे पर बोलते नहीं है, अपने द्वारा किए गए कुकृत उस पर नहीं बोलते। एक कोई उपलब्धि हो इस सरकार की तो ये बता दें। 18 साल से मध्य प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया, आपने देखा होगा किस प्रकार से मध्य प्रदेश में माफिया आवी है। लगातार अवैध रेत खनन को लेकर पुलिस प्रशासन के लोग पिट रहे हैं, जो भी अधिकारी इन माफियाओं को रोकने के लिए जाते हैं उनको भागना पड़ता है। अपराधी इतने उनके हौसले बुलंद है अपराधियों के और खनन माफियाओं जो हैं कि वो डर ही नहीं रहे शिवराज सरकार से। तो ये किस शासन की बात करते हैं? इनकी सरकार ने दिया क्या है मध्य प्रदेश को? केवल लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 9 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश को छल रही है और 18 साल से मध्य प्रदेश में बैठी शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको ठगने का काम कर रही है। अभी कल शिवराज सिंह चौहान आए थे ग्वालियर में बाबा साहब के एक कार्यक्रम में, महाकुंभ में, किस प्रकार से आशा उषा की जो हमारी बहनें, उन्होंने शिवराज सिंह जी का विरोध किया, वो वीडियो आपके पास होगा, पब्लिक डोमेन में वायरल हो रहा है। उन्होंने शिवराज मुर्दाबाद के नारे लगाए और संकल्प लिया कि हम शिवराज सरकार की विदाई तक आंदोलित रहेंगे। जो कहते थे कि मैं सड़कों पर उतर आऊंगा अतिथि विद्वानों के लिए, आज वही अतिथि विद्वान कई महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है इस प्रदेश में। असल मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करता, ये दुर्भाग्य है इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अब मध्य प्रदेश की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, 18 साल से इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को लगातार छलने का काम किया। ठीक है, तो अब जवाब का टाइम आ गया है, तिवारी साहब की ओर बढ़ूंगा। तिवारी साहब, पूरी बात आपने शर्मा जी की सुनी, कह रहे हैं कि और क्या किया ही है शिवराज सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ जनता को छला है, महिला अपराध की बात कर रहे हैं वो। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही वचन पत्र दिया है, तमाम घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कास्ट के लेकर आयोग बनाने की बात की है, चाहे सोनी समाज की बात करूं, रजक समाज की बात करूं, सेन समाज की बात करूं, ये आयोग बन तो जाएंगे, लेकिन इससे होगा क्या? क्या महंगाई दर कम हो जाएगी या फिर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा, बिजली की दरें कम हो जाएंगी? करूंगा कि जो आज के बहस का मुद्दा है, उस बहस के मुद्दे पर यदि चर्चा, अभी मैंने बड़े शानदार तरीके से आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब का चुनावी भाषण सुना, और मुद्दा क्या है, अगर यही मुद्दा है जो वो भाषण दे रहे थे, तो उनके घोषणा पत्र की कलई पहले खुल चुकी, और जो वचन पत्र उन्होंने बनाया था पिछली बार, वो वचन पत्र के बाद, और इनको बार बार तकलीफ होती है कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया 18 वर्ष। अरे अगर हमने 18 वर्ष कुछ नहीं किया तो आप क्या कहना क्या चाहते हो कि 2018 के चुनाव में 5-7 सीटों से पीछे रहने के अलावा 2003 में हम जीते दिग्विजय सिंह के कुशासन के कारण, और फिर 2008 में हम जीते, फिर हम 13 में जीते, 18 में भी हम दिग्विजय सिंह नहीं हुए, वाटरलू का मैदान नहीं था, हम 5-7 सीटों से मात्र पीछे थे, और जबरन छाती चौड़ी करके और यहाँ बैठ के ये नहीं है वो नहीं है। अरे आज का विषय आप महंगाई पे बात करो ना, अगर आपको लगता है महंगाई, आप प्रमुख विपक्षी दल है,
आपको उसके आंकड़े लाना चाहिए, उस पर आंदोलन करना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्ष जनता का कराना चाहिए। पर आपके नेता प्रतिपक्ष रानी कमलापति का कौन है? रानी कमलापति कहां जाए? रानी कमलापति ढूंढ ढूंढ के भाजपा वाले, और ये कहां से एक आदिवासी महिला को इन्होंने स्टेशन उसके नाम कर दिया? मैं नहीं जानता हूं कमलापति को। ये अपने नेताओं को बताइए ना कि जो यहाँ डिबेट पे बैठ करके विषय है सेन समाज के लिए, जो माननीय कमलनाथ जी ने आपसे घोषणा करी है, जो वो धड़ाधड़ घोषणा करते जा रहे हैं। मैंने भी सुना है, एक संघ होता है, एक झपोर संघ होता है, दो पड़ोसी थे, एक को एक महात्मा ने संघ दिया और कहा जा बेटा तूने बड़ी सेवा करी है, जब तू इससे कुछ मांगेगा और संघ बजाएगा तो ये दे देगा। उसने कहा मेरे को भोजन के लिए अन्न धन दे दो, उस संघ ने कुछ मोहरें दे दी, पड़ोसी ने देख लिया, उसको जलन होने लगी, उसको तकलीफ हो गई, लाडली बहन क्यों आ गई, उसको तकलीफ हो गई, तो उसने भी एक संघ खरीदा और संघ खरीद के वो भी लीप पोत के बैठ गया। अब बोले भैया मेरे को इतना इतनी हजार मोहरें दे दो, मैं हजार नहीं 1500 दूंगा। अरे भैया प्रदेश की जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आपके कर्ज माफी को देख लिया, मैं बोलूंगा तो आप फिर 27,000 चिल्लाने लगेंगे। 2 लाख तक की बात इधर उधर की तूने बात कर, तू बता कि 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर कैसे हो गए मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी कर्ज माफी के कारण, जो खाद बीज का बेचारे 0% ब्याज पे ऋण लेने लायक भी नहीं बचे। अभी अगर शिवराज सिंह जी ने सदस्यता और अपना कृषि प्रेम किसान प्रेम नहीं दिखाया और विधानसभा में बजट में उन डिफॉल्टर किसानों के डिफॉल्टर होने के बाद उनका ब्याज देने का काम और उसके बाद उनको ऋण दिलाने का काम खाद बीज के लिए नहीं किया होता तो किसान बेचारा मोहताज हो गया था। चलिए ठीक है तिवारी साहब, वापस आऊंगा आपके पास। प्लीज प्लीज एक बार अंतिम बात, मैं ये कह रहा हूं कि सेन समाज के लिए उन्होंने कहा अगर कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अगर सरकार ना आई तो क्या ये कह सकते हैं वो कि कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी या कांग्रेस के नेता मिल करके ये सब जो घोषणाएं करके आए इसको पूरा करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सेवक है हम आपके। अब वोट पड़ गया सगे ने अपने आपके, राहुल ने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री साहब सरकारी साहब हो गई। चलिए ठीक है तिवारी साहब, आऊंगा आपके पास वापस से। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगी राज योगेश जी। योगेश साहब, अब मध्य प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं, साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, दोनों गुट बड़े गुट बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही जनता को अपने खेमे में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है इससे पहले भी कई बार चुनाव में देखा गया है, लेकिन एक बार फिर से अब कमलनाथ जी घोषणा कर चुके हैं सेन समाज के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, सेन महाराज के लिए स्मारक बनाई जाएगी, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सेन समाज कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, इसलिए सेन समाज को अपनी साइड करने के लिए ऐसी घोषणाएं करना अब लाजमी हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, सही बात तो यही है कि सारे राजनीतिक दल घोषणाएं तो इसीलिए कर रहे हैं कि अपने अपने समाज जो जो भी समाज है उनसे जुड़े, और कास्ट पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है तो कास्ट पॉलिटिक्स तो शुरू से इस देश में रही है, उसके स्वरूप अलग अलग रहे हैं, और कास्ट पॉलिटिक्स को राजनीतिक दलों ने जानबूझकर बढ़ाया। कई कास्ट ऐसी थी जिन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि साहब हमें ये चाहिए, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने जबरन उनके मुंह में सुविधाएं दे दे के उनके दिमाग खराब कर दिए। आज ये हाल है कि सरकार बाद में बनती है, इनकी महत्वाकांक्षाएं पहले जग जाती इन कास्टों की, ये पहले से डिमांड करने लगते हैं कि साहब आदिवासी इस बार चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम बनना चाहिए, एक डिप्टी सीएम फलाने वर्ग से बनना चाहिए। तो जब आपने उनको इतने ज़्यादा भाव बढ़ा दिए तो अब वो सौदेबाजी पे करने उतारे आए। अब तो ये जो माहौल बहुत तेज़ी से बदला है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है, और ये देश सबका है, और यदि आप ऐसे कोई सैन समाज और सोनी समाज और कायद समाज और ब्राह्मण समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज, ये वोट के आधार पे बांटने की राजनीति बहुत हो गई इस देश में। अब ऐसी राजनीति की जाए जो विकास की राजनीति हो और जो हकीकत से करीब हो, ऐसा नहीं हो कि कोई 1000 सिलेंडर की बात कर रहा है, कोई 1500 दे रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जाएंगे वो बोल देंगे हम लोग 5000 रुपये दे देंगे, तो ये फाकुलाजी वाली बात नहीं होना चाहिए।
वास्तविक आप ये देखिए मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत क्या है, कैसे आप कर दोगे 1500 रुपए या 1000 रुपए। अभी 1000 रुपए की शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है, 7000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। अब आप 1500 की करोगे तो कहां जाएगा ये खर्च? आपके पास सरकार चलाने के पैसे नहीं है, रोज ऋण ले रहे हैं। बिल्कुल, यही हालत आने वाली सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है जनता से लेकर ही जनता को बांटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव जनता पर भी पड़ेगा साहब। नहीं, सही बात तो यही है ना कि आप कुछ ना कुछ करके कान जनता का मरोड़ रहे हैं। आप एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए दूसरे वर्ग से आप सुविधाएं छीन रहे हैं। आप अभी सिंपल सी बात है, नगर निगम नगर पालिका से वाटर टैक्स आता है, जल दर आपसे वसूल जाते हैं। अब वो जल दर आप अपने घर का जल दर तो दे ही रहे हैं, वो जो पब्लिक में जो टैप लगा हुआ उसका पानी भी आप दे रहे हो, शिक्षा आप स्कूल में अपना टैक्स दे ही रहे, नगर निगम को अलग से शिक्षा कर चाहिए। तो ये जो तरह तरह की जो वैरायटी जो डेवलप की गई है, इसका समाधान करना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि सरकारें बनी इसलिए थी कि हम अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, हम अपने प्रदेश का ध्यान रखेंगे, लेकिन ये हो कह रहा है पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग उन्ने का साहब, इनकी 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, इनकी 35 सीटें हैं, ये सीटें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ये वर्ग यदि नाराज हो गया तो साहब सरकार ही नहीं बनेगी। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए। राजनीतिक दल वो है जो दावे से ये कहे कि साहब हमने यदि काम किया हो तो आप हमें वोट देना, ऐसे राजनीतिक दल की आज जरूरत है जो स्वच्छ मन से प्रदेश का बहुमुखी चौमुखी विकास कर सके। ठीक है शर्मा साहब, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब ये दावा और वादा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है, सरकार तो 2018 में ही बन गई थी लेकिन छल पूर्वक गिरा दी गई। एक तरफ आप बोलते हैं कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, सरकार कांग्रेस की ही बनने वाली है, और दूसरी तरफ कंपटीशन को भली भांति आप फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तमाम समाज के लिए संगठन की आयोग की बात करते हैं तब कमलनाथ जी भी आयोग की बात कर देते हैं, लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमा लाडली बहना योजना के तहत देने की बात करते हैं, कमलनाथ जी भरे मंच से 1500 रुपए देने की बात कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि मेन मुद्दे जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर तमाम नेताओं को बातचीत करने की जरूरत है ताकि जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट करे? महंगाई की बात कर सकते हैं, बिजली की बात कर सकते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर सकते हैं। कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। 1.25 साल की सरकार में आपने देखा, हमने देखा, उन्होंने 100 रुपए बिजली का बिल प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम किया। उन्होंने वादा किया था 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल। किसानों की कर्ज माफी की, तिवारी जी ने बोला किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी की सरकार ने की, चूंकि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, लेकिन भाजपा के लोकतंत्र विरोधी नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार की आपने हमने देखा, और उस सरकार को गिरा दिया, वोटों की बनी हुई सरकार को नोटों से गिरा दिया। दूसरी बात, चाहे सेन समाज हो या आपकी हमारी किसी की भी समाज हो, प्रत्येक समाज का विकास ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हैं, एक उपलब्धि भाजपा के मित्र बता सकते हैं उनकी? लेकिन शर्मा साहब, उपलब्धि बताने के लिए आपको नहीं लगता जनता काफी है? जनता ही चुनती आ रही है ना, बीजेपी के नेता मंत्री कार्यकर्ता ही पार्टी नहीं चुन रहे हैं, जनता चुनती आ रही है। जनता ने तो लंबा वक्त हो गया है, मतलब जनता को कहीं ना कहीं भरोसा था इस 18 साल से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, जनता इसी बात को याद कर रही है कि हमने तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लोकतंत्र का गला घोटकर अपनी सरकार फिर से बना ली, उसी का बदला लेने के लिए जनता। लेकिन शर्मा साहब, शर्मा साहब की सरकार बनाने जा रही, इस चुनाव के वक्त की बात अभी तिवारी साहब कर रहे थे और वो बता रहे थे और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि सीटों का अंतर ज्यादा नहीं था, और मैं उपचुनाव की बात भी नहीं करना चाहता। चुनाव की जीत एक वोट से तय होती है, हार और जीत के लिए एक वोट पर्याप्त होता है। जनता ने जनमत कांग्रेस को दिया, आपने उस जनमत का अपमान किया, और आप कैसे बोल सकते हैं क्या जनता ने आपको चुना? आप लोगों ने बैकडोर से अपनी सरकार बना ली, यही तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी जहां नोटों से नहीं जीतती, उन प्रदेशों में जाकर नोटों के बंडल पटकती है और अपनी सरकार बना लेती है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात क्या है, ये झूठ और जुमलेबाज, झूठ बोलने वाले और जुमलेबाज। शर्मा साहब आपकी बात समझा, इसीलिए समाजों के आयोग का गठन किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, आपकी बात से यही समझा जाए। शिवराज सिंह चौहान तो घोषणा भी मुख्यमंत्री है साहब, अभी आपको दो दिन पहले एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2342 कुछ घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने की, लेकिन आज तक उन पर डीपीआर ही नहीं बना, काम ही नहीं शुरू हुआ। घोषणा पूरी करना तो छोड़िए, कागजों में भी तैयारी नहीं हुई है। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो लगातार केवल और केवल घोषणाएं करने का काम करते हैं, करते कुछ नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्टाचार के लूटे हुए माल का बंदरबांट करना, ये भाजपा के नेताओं का मूल काम रहेगा। आऊंगा आपके पास वापस से। तिवारी साहब, पूरी बात आपने शर्मा जी की सुनी, कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर, सिर्फ घोषणा करते रहते हैं, लेकिन कमलनाथ जी भी अब घोषणा कर रहे हैं आजकल, समाज के लिए वोट बनाने की बात कर रहे हैं, स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे भैया, धर्मेंद्र ही नहीं, कांग्रेस का जो भी वक्ता प्रवक्ता कार्यकर्ता देता है उसका तकिया कलाम है ये शिवराज जी से, उसे पीबिया है और नरेंद्र मोदी जी से, उसका तकिया कलाम है घोषणा वीर है। आपने उनको इशारा भी किया भाई चुनाव तो वही जीत रहे, अभी बड़ी छाती पीट रहे थे कि वो विधायक छल के साथ सरकार गिरा दी, छल के साथ नहीं गिरा दी, आपके विधायकों ने आपके मुख्यमंत्री जी के जो व्यवहार थे, जो सरकार के काम थे, उससे कूद करके आदर से बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला यार, धर्मेंद्र जी मैं बीच में नहीं बोला, अरे धर्मेंद्र जी टेंट लगाकर, धर्मेंद्र जी मैं धर्मेंद्र जी बीच में नहीं बोला, अगर चुनाव चुनावी डिबेट कर रहे हो, जनता सुन रही है, बीच में मैं नहीं बोला आपके। मेरे भैया, मैं आपसे एक बात का उत्तर चाहूंगा, आपको समय दे दे एंकर, विनती करूंगा, आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अगर अधीन के लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए, फिर आपने खूब आरोप लगाए, टिकाऊ है, गद्दार है, और उसके बाद चुनाव हुए यार, जनता ने वोट डाले उपचुनावों में, और उपचुनावों के बाद वहां वो विधायक जीत करके आए, लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे थे, चुने हुए विधायकों को दबा रहे थे, चुने हुए विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, अपने विधायकों को सम्मान नहीं दे पा रहे थे, और नतीजा ये हो कि उन्होंने चले आए, चलो बिकाऊ थे, खरीद करके आए, तुमने रकम दी थी, समय की बाध्यता है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आऊंगा। चुनाव में जनता ने आपकी इस बात को नहीं माना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब वो चुनाव तुरंत हुए थे, उसके बाद भी कई उपचुनाव हुए, और इसलिए ये पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। रही बात प्रदेश के अंदर, तो प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, आपसे तो हवा में बात करना है, पर एक बात समझ लीजिए, आप कह रहे हो लोकतंत्र में एक वोट की जीत होती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के 18 के चुनाव के बाद, और उसमें एक ही सीट जीते थे तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भले आपका जमीन धरातल खत्म है। तिवारी साहब, समय की बात है, जल्दी से योगेश जी से एक सवाल कर लेता हूँ। नहीं, समाज में झूठी घोषणा है, कमलनाथ की सरकार नहीं, तिवारी साहब ये झूठा वादा करते फिर शांत हो जाइए, कहे ये घोषणा, समय की बाध्यता है। योगेश जी, तिवारी साहब कह रहे हैं जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो कास्ट पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है, ये मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई बार देखी जा चुकी है, चाहे जितने भी चुनाव हो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो घोषणाएं कर दी जाती हैं, चाहे सेन समाज के लिए घोषणा कर दी गई है, अब कमलनाथ जी भी महाराज के लिए स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तमाम समाज के लिए आयोग बनाने की बात कर चुके हैं, ऐसे में जनता में भ्रम तब पैदा हो जाता है जब उनके विकास की बात ना होकर ऐसे आयोगों की बात होने लगती है। चुनाव में जुमलेबाजी अब ज्यादा चरम पर हो चुकी है, कास्ट पॉलिटिक्स अब चरम पर हो चुकी है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूरी हाइट पर है ये कास्ट पॉलिटिक्स जो है, और मैंने पहले की दौर में भी इस बात का जिक्र किया था, इस चीज को अब समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी ये सारी चीजें जो ये एक तरह से नासूर बन चुकी हैं समाज में, इन सब चीजों से जितनी जल्दी मुक्ति पाली जाए उतनी ज्यादा प्रदेश के लिए बेहतर है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये बर्र के छतरने में हाथ नहीं डालना चाहता, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि दो दो चार चार पांच पांच सीट मिले, लेकिन मिले, और इन सब के बीच आप ये देखिए भाजपा और कांग्रेस की तो अपनी तैयारी तैयारी है, दलित और ओबीसी वोट बैंक के लिए
अन्य राजनीतिक दल भी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ ने घोषणा कर दी चंद्रशेखर रावण ने कि हम सारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उन सबको मिला के अलग आने वाले वक्त में कास्ट पॉलिटिक्स और ज्यादा देखने को मिल सकती है जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी कास्ट पॉलिटिक्स की। इस कास्ट पॉलिटिक्स का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है ये वक्त बताएगा। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।